जय हिंद साथियों, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों अभी पेपर है, आफ्टर 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। अब हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े? साथियों पहले आपको बता दूं, मैं आज आपको पेपर करवाने जा रहा हूँ 2020 के जो एग्ज़ाम हुआ था PNST का, और जो आपका कब हुआ था तो ये सर जी 6 फरवरी 2021 को अगर एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कैसे हम लोग जो है चीज़ों को समझ पाएंगे, क्या इस बार का लेवल पिछले बार के समान ही रहेगा या फिर इंक्रीज होगा, ये सारा कुछ आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बॉटनी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मेरे साथ सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, और पसंद आए तो लाइक करिएगा ये साथियों और शेयर करिएगा, ताकि हर बच्चा गाइस सिलेक्शन ले पाएगा। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ये गाइस आंसर की है। मैं आपको बता दूं, ये पेपर जो है पेपर तो चलिए छोड़िए, पेपर आपका मिला नहीं मिला, पर ये आंसर की है, ये आंसर की, इसलिए यहाँ पर आंसर आपको पहले से होंगे। तो आपको ये पेपर करवाने का एक मकसद है कि आप लोग जो है वर्तमान की स्थिति को देखते हुए पेपर को समझिए, और आप लोग क्या ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं या ऐसे ही पढ़ रहे हैं क्या, वो ज़रा अपना आप लोग नोट करिए। देखिए खालिस्तान परस्पर कौन सा सब्जेक्ट है, तो बच्चा आपका जूलॉजी है। देखिए परस्पर खालिस्तान परस्पर क्रिया का प्रकार है जहां दो प्रजातियों को परस्पर क्रिया का लाभ होता है। तो यह आंसर होगा आपका परस्परवाद। क्या होगा? परस्परवाद, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये 15 से 20 मिनट का वीडियो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। आगे देखिए, बोला गया रक्त समूह से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बोला गया है कि ओ रक्त समूह की महिला 3 संतान होती है जिसे, और रक्त समूह ए वाली 2 संतान और रक्त समूह बी वाली 1 नई संतान, पिता का संभावित रक्त क्या होगा? तो आपका ओ ए बी ए या बी दिया था, तो संभावित ब्लड होगा आपका ए बी, और ये आपको मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, ठीक है, कितना पेपर क्लास से आया है वो भी बताऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। देखिए आपका पक्षाम, आपका पक्षमाभी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिलिएटस उपकला रेखा, निम्नलिखित क्या अंग होता है? मैंने आपको जो है ये भी करवाया है, श्वसनली इसका राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा? श्वसनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आते हैं आगे, एक विशेष बीमारी का लक्षण में घाव और जो है टूटते दांत शामिल थे, इस बीमारी को रोकने के लिए आहार में कौन सा पोषक तत्व हम लोग लेते हैं? विटामिन ए दिया था, आयरन दिया था, विटामिन सी या कैल्शियम दिया था? तो ऑब्वियसली बात है सर जी, विटामिन सी। एस्कर्बिक एसिड जिसका नाम होता है, जिसे स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों में सूजन हो जाती है, ये सब कुछ होता है। तो आपको दांत की बात आई तो समझ लेना था कि हमसे सर जी स्कर्वी रोग के बारे में बोला गया था, ऑप्शन नंबर सी है, क्लास से क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, ऐसे नो नोट, चलिए कितने बार मैंने पढ़ा चुका है बच्चा कि निम्नलिखित में से समुचित रूप से हृदय का हृदय कहलाता है, हृदयों का हृदय आपका ऐसे नोड कहलाता है। क्या हर साथी ये क्वेश्चन बना पाता क्या? अगर समाधान स्टडी से पढ़ता तो बिल्कुल बना पाता, ठीक है। राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए था, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था। आगे आते हैं, देखिए आगे देखते हैं आपका, चले एमनियोसेंटोसिस में खालिस्तान असमानताओं के निदान के लिए भ्रूण को जो है घेरने वाले ए आपका एमनियोटिक द्रव का एक छोटा सा नमूना होता है, तो जिसे हम लोग क्रोमोसोमल कहते हैं, जिसे हम लोग गुणसूत्री कहते हैं। क्या सभी साथी ऑप्शन नंबर ए लगा पाए क्या? जी हाँ साथियों, अगर आप लोग साथ देंगे तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था आपसे, खालिस्तान विकास क्रम में तेजी से वृद्धि की अवधि है, विकास क्रम में तेजी से वृद्धि की अवधि है, अंतराल जो है चरण आपका या फिर होगा लॉन्ग चरण, तो आपका लॉन्ग फेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? लॉन्ग फेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और हर साथी कर पाया है।
लिंग संबंधी सेक्स जो है लीड्स ट्रैक्स क्या है बताइए। चलिए आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। तो देखिए सभी बच्चा नोट करेगा, आपसे लिंग जो है संबंधी विशेषक आपसे पूछा था, तो एक जो है फोटोटाइप्स जो कि आपका एक्स या वाई गुणसूत्र एक ही जिन के कारण होता है, तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। तो ये देखिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया था, तो आप लोग देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा जो है स्पष्टीकरण है कि क्यों जो है जिन में लिपिड जिन कहा जाता है, आपका लिक्ड जिन कहलाता है। तो आपका जो लिंक्ड जीन है एक ही गुणसूत्र पर पाया जाता है, राइट आंसर नोट करना, सी राइट आंसर आपका सही होगा, सत्य होगा। आप लोग देख लीजिए टॉपिक मिला लीजिएगा, क्या यही टॉपिक हम कर रहे हैं लाइव क्लास में। आगे आते हैं, आपका संयोजी ऊतक का कौन सा प्रकार क्षतिग्रस्त होता है जब किसी तर्जनी पर आकस्मिक रूप से कट जाता है, तो ये आपका संयोजी ऊतक होते हैं। क्या होते साथियों, आपका संयोजी ऊतक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका नोट कर लेना, डी आंसर बन पाएगा। अरे 100+ मार्क्स तो आसानी से आ जाएंगे, बस आपको सारी क्लासेस देखना है और सभी को समझना है। अग्नाशय के बारे में पूछा गया है, क्या है कि अग्नाशय भोजन में पाचन में एक महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा कथन पाचन में क्या है इसकी भूमिका का पता, चलिए इसकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो क्या आंसर होगा महाशय, नोट कर लीजिएगा। यह छोटी आंतों में भिन्न प्रकार के एंजाइम को स्रावित करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्या आप सभी लोगों ने यही लगा पाया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला सर जी, हमसे बोला गया है कि वो दो हार्मोन्स कौन से हैं, क्या है साथियों वो दो हार्मोन्स कौन से हैं जो महिला प्रजनन अंग और जन्म के पूर्व विकास का कारण होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मेरे साथियों क्या आज ही मैंने ये आपको पढ़ाया है क्या, जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा कि सर आज ही ये क्लास में क्वेश्चन करवाया है, ठीक है ना। क्या होगा आपका, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर मृत्यु दर का प्रभाव व्यक्तियों के खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो उनकी आयु पर निर्भर करता है, किस पर करता है साथियों, उनकी आयु पर निर्भर करता है। क्या आप लोगों ने सी आंसर लगा पाया है क्या, ठीक है साथियों सी आंसर बिल्कुल करेक्ट था इस क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से क्या समजातीय गुणसूत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, क्या बोला है निम्नलिखित में से क्या समजातीय गुणसूत्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र या फिर एकल जो है आपके स्ट्रैंड आपका क्रोमोटिड की एक जोड़ी, एक जो है सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ी होती है, या होगा आपका जिन के समान अनुक्रम के साथ गुणसूत्रों की एक जोड़ी, तो राइट आंसर आपका बन जाएगा सी। आगे आते सर जी क्या है, 30 क्वेश्चन पूरे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से लघु बीजाणु चतुषक जिसे हम लोग क्या कहते हैं माइक्रोस्पोर आपका ट्रेट्राइड के प्रकार की पहचान करना है, तो केवल टी प्रकार का है या फिर केवल क्रासिस्त है या फिर आपका केवल आपका रैखिक है, लीनियर होगा क्या, जो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑल ऑफ धिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और साथियों सभी बच्चा लगा पाया है। आगे आते हैं, नोट करना कि शरीर के किस हिस्से पर हार्मोन्स जो है आपके लेप्टिन का प्रभाव पड़ता है, वसा कोशिका, लिवर, आमा, अग्नाशय या फिर होगा मस्तिष्क के अधपश्चेत मतलब आपका हाइपोथैलेमस, तो चलिए क्या होगा हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर होगा। चलिए पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं मास्टर ग्रंथि साथियों, और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये चीज़ें आपको मैंने क्लास में बता रखा है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, क्या बोला गया है कि स्तनधारियों में अंडे को मुख्य रूप से ग्लाइकोप्रोटीन से संयुक्त बाह्य मैट्रिक्स के या कि एक परत द्वारा संक्षिप्त किया जाता है जिसे जो है खालिस्तान कहते हैं, आपका विटली झिल्ली, तारक केंद्र, अग्रणी पिंड या फिर आपका जोना पुटी आपका पेल्यूसीडा, तो राइट आंसर नोट करना जोना
ठीक है, जो ना आपका पेल्यूडीसा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या राइटर रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट है, बिल्कुल सर जी राइट आंसर लगा पाया है। आगे देखिए, बोला गया है कि एक बार जब एक निषेचित अंडे में कोशिका विभाजन होती है तो यह पहले कोशिका की एक खोखली गेंद बनती है जो कि आपका एंडोमेट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्भाशय की परत में आपका प्रत्यारोपित होती है और कोशिकाओं की इस खोखली गेंद को, मतलब बॉल ऑफ सेल को, जो क्या कहा जाता है, ये आपसे बोला गया है। ये एक नया क्वेश्चन है, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन तो नहीं पढ़ा है क्योंकि ये थोड़ा नया क्वेश्चन है। देखिए, ये क्या है आपका, एक जो है ब्लास्टोसिस, इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़ रखा होगा, तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में नहीं किया है। चलिए, ये तो पढ़ रखा है गाइस, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रखा है कि यूकैरियोटिक गुणसूत्र की सबसे अच्छी संरचना जो है कौन सी है, तो ये बता पाएंगे कि रैखिक डीएनए अणु हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं। क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर देख रहे करेक्ट आंसर क्या होगा। आगे देखिए, वह हार्मोन्स क्या है जो शरीर में आपका चयात्मक दर को नियंत्रित करता है और जो है आंशिक रूप से शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो जो आपका ग्लूकोगन होगा, इंसुलिन होगा, आपका लेटिन होगा, या फिर आपका थायरोक्सिन होगा। तो नोट करेगा बच्चा, जिन भी साथियों ने लगाया है थायरोक्सिन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा पाया है। अरे, हर बच्चा सही कर पाया है, बिल्कुल राइट आंसर कर पाया है। आगे आते हैं, नोट करते हैं चीज़ों को, क्या दिया है। बोला गया कि यदि कैल्शियम आयन प्रोटीन, ठीक है, यदि कैल्शियम आयन प्रोटीन जो है आपका प्रोपेनिन से बंद होता है तो एक जो है क्या आपका पिसितास, या फिर आपका जिसे हम लोग कहेंगे सार्कोमेरी के अंतर्गत क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। राइट आंसर बन जाएगा आपका मायोसिन बंद जो है आपका साइट्स का, चलिए, निवारण जो है होता है। राइट आंसर बी होगा, तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं सर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा कारक जनसंख्या के एक विशाल तरीके से बढ़ने का कारण नहीं होता है? तो आपका जन्मदर, आपका जो है प्रवास का अग्र जो है वास के साथ ही आपका अत्यधिक कम होना जो है, और मृत्यु दर, सी आंसर इसका सत्य है, और आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। वैसे आगे आते हैं, बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तंत्रिका तंत्र में स्नायु, जिसे न्यूरॉन्स के बारे में बोला गया है, तो न्यूरॉन्स का जो है प्रेषित होता है, तो जैव आयनों द्वारा, विद्युतीय आवेग द्वारा, यांत्रिक आवेग, रासायनिक, तो आपका होगा इलेक्ट्रिकल, मतलब विद्युत आवेग, ठीक है, आप सभी लोगों ने लगा पाए क्या, बी आंसर होगा। साथियों, ध्यान रखना है, और आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि खालिस्तान एक जिन के आधार का अनुक्रम है और एक यह आच्छादिक परिवर्तन होता है, तो वो आपका होगा उत्परिवर्तन। क्या होगा आपका? उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और सभी साथी, सभी भाई, सभी बंधु लगा पाया है। बोला है कि बाइनरी फंक्शन क्या सर जी, बाइनरी फंक्शन में उत्पादित वैवशिष्ट, मतलब आपका वैवशिष्ट्यो, ठीक है, क्या है, वैवशिष्ट्यो, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल की संख्या होती है, तो कितनी होती है, टू, कितनी होती है साथियों, टू होती है। क्या सभी साथी लगा पाए क्या, ठीक है, कितनी सर जी, टू इज अ राइट आंसर, और हर साथी बिल्कुल बना पाया है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आरोपण के बाद आपका अंगुली की तरह के आपके प्रोजेक्शन ट्रोफोब्लास्ट पर जो है दिखाई देते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है, तो नोट करेगा, इसे कहेंगे हम लोग आपका कोरियोनिक विली, जिसे हम लोग जरायु अणु जो है आपका अंकुरिका कहते हैं, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए साथियों, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया है। अंतरिक्ष यात्री जो कि शून्य आपका गुरुत्वाकर्षण, जिसे भारहीनता पर काम करते हैं, वे पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद जो है कंकाल प्रणाली
जो है कंकाल प्राणी संबंधी समस्याओं का जो है आपका सामना कर सकते हैं, ऐसे होने से जो है सबसे अधिक जो है संभावना जो है क्या होती है, तो हड्डियों में कैल्शियम जो है क्या होता है क्षारित होने से ही वो क्या होता है भंगुर हो जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्यों सी दिया है आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, जरा क्या बोला है नोट करना है। आपसे बोला गया है कि हृदय एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना हुआ है जिसे खालिस्तान पेशी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका हृदय पेशी कहेंगे इसे, क्या कहेंगे हृदय पेशी कहेंगे, राइट आंसर सी होगा। और ये क्वेश्चन भाई साहब क्लास में आपको देखने को मिल चुका होगा और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया भी है। चलिए देखिए, अब बोला है कि खालिस्तान शुक्राणु के जो है शीर्ष में एंजाइमों की एक बड़ी झिल्ली युक्त थैले जिसे हम लोग क्या कहते हैं एक्रोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों एक्रोसोम कहते हैं। क्या साथियों ए आंसर सभी बच्चा सभी साथी सभी बंधु लगा पाया है क्या कि खालिस्तान शुक्राणु के शीर्ष में एंजाइमों की एक बड़ी झिल्ली युक्त थैली होती है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए बोला गया है कि 6 से लेकर 32 कोशिका वाली खोखली संरचना है जो कि युग्मक में जो है कोशिका विभाजन के बाद बनती है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं ब्लूस्टा कहते हैं, ठीक है आपका ब्लूटूला कहते हैं, ठीक है। तो नोट करेगा साथियों जिन भी भाई साहब लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, कितने 30 क्वेश्चन करवाए हैं, एटलीस्ट जो है आपको क्लास में से अभी तक जो है क्लास में से आपको यहाँ से 80% कितने सर जी 80% में आपको बता दूं, अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपको ऑब्वियसली पता है कि सर कितने क्वेश्चन क्लास में से आए हैं। पर अगर जो भी नया बच्चा होगा जिन्हें विश्वास नहीं है तो गाइस पुराने वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको 80% क्वेश्चन क्लास से ही मिलेंगे, कितने 80% और 20% क्लास में थोड़े यहाँ पर नए क्वेश्चन हैं, बाकी सारे के सारे क्लास से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल चुके थे। तो चलिए आइए इसी के साथ सेशन में आपसे विदा लेते हैं, आते हैं इसी के साथ बेहतरीन शानदार से नेक्स्ट सेशन को लेकर पुनः हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलिए इसको लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अगले वीडियो का और अगले जो है क्लास का इंतज़ार करिएगा। नमस्ते, जय हिंद।